हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहुल किचन्स एंड लाइफ स्टाइल में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं वीडियो ये बना रही हूँ वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और 8 मंथ मैं रनिंग हूँ, तो मैंने बैग पैकिंग अभी से स्टार्ट कर दी है। बेबी के लिए जो भी सामान होते हैं, जो इम्पोर्टेंट सामान है, आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट उस समय ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको शेयर करके बताऊंगी कि अभी तक मैंने क्या प्रिपेयर कर लिया है। और ये प्रिपरेशन मेरी लास्ट मंथ से ही मैं कर रही हूँ क्योंकि एंड टाइम पे मुझे परेशान ना होना पड़े, मेरा बैग पहले से रेडी रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या अपने बैग में जो है वो लिया हुआ है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बेड बनाया है, ये मैंने खुद से बनाया है, ये आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा है और इसको अगर मैं पूरा खोल दूँगी तो ये बहुत बड़ा है, ये कुछ ऐसा है। और इसमें अच्छी बात ये है कि ये इसके अंदर जो है वो कुशन है, यानी फोम शीट है इसके अंदर, तो जब भी बच्चा जो है वो यूरिन पास करता है तो इस फोम के अंदर यूरिन जो है वो सोक हो जाएगा, तो आप कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा और जो है ये बहुत सॉफ्ट है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो कपड़ा जो मटेरियल मैंने लिया है वो आप या तो आप फलालेन ले सकते हैं या आप कॉटन लीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये घर पे बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी से भी बनवा सकते हैं, मार्केट में भी ये मिलता है और पर पीस 100 तक ये मिल जाता है। तो मैंने ये लिया है और इसके मैंने 4-5 पीसेस बना लिए हैं अलग अलग कपड़े से। तो एक ये मैंने बनाया है, ऐसे मैंने 2 बनाए हैं, एक मैंने प्लास्टिक सीट लगा के भी बनाई है, देखिए आप, ये प्लास्टिक है, ये पूरा बेड में पीछे लगा हुआ और फ्रंट पे ये कॉटन, ये फ्रंट पे कॉटन कपड़ा लगाया और पाइपिंग मैंने लगा दिया फिनिशिंग के लिए। तो ये जो है ये भी मैंने रख लिया है एक बनाकर, तो ये 3 मेरे बेड हो गए। और 3-4 ऐसे आप मैक्सिमम, मतलब 7-8 तो आपके पास होने चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे क्या है सुखाने के लिए स्पेस नहीं मिलता। अगर आपका प्राइवेट रूम है तो भी वहाँ पे आप सुखा नहीं सकते हो, बाहर भी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, उनके ऑलरेडी कपड़े रहते हैं, तो जनरली आप ये चीज़ जो है इकट्ठा करके रखिए और ज़्यादा क्वान्टिटी में रखिए। और एक मैंने ये डिज़ाइन का बनाया है, ये देखिए, तो ये आप मशीन पे बना सकते हैं इजीली या फिर आप बनवा लीजिए किसी से या मार्केट से परचेज कर लीजिए। इसके अलावा मैंने एक ब्लैंकेट लिया है, ये ब्लैंकेट है, ये देखो आप, ये ब्लैंकेट है और ये जो है ये बेबी ब्लैंकेट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, अप्रॉक्स ये 600-700 में मिल जाएगा। और इसमें अच्छी बात ये होती है इस ब्लैंकेट की कि इस ब्लैंकेट में आप अगर गर्मी के मौसम में अगर डिलीवर करने हैं और आप एसी रूम, प्राइवेट जो रूम अगर आप लेते हो तो वो नॉर्मली एसी होता है, और मेरी डिलीवरी डेट जो है वो मई की है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बट जो बॉर्न बेबी रहते हैं उनके लिए एसी अच्छा नहीं होता है। तो ये ब्लैंकेट जो है ये बहुत हेल्प करता है, बेबी इसमें बहुत कम्फर्टेबल भी रहता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी मटेरियल बहुत अच्छी है। तो आप ये एक परचेस करके रखिए क्योंकि ठंड के मौसम में अगर डिलीवरी हो रही है तो भी ये काम आने वाला है, और अगर आप गर्मी के मौसम में डिलीवर कर रहे हैं बच्चा तो इमिडिएटली ये काम आता ही है। इसके अलावा एक थर्मस रखिए साथ में, ये थर्मस मैंने लिया है, ये लास्ट प्रेगनेंसी में मैंने यूज़ किया था, इसमें जो मिल्क है वो गर्म रख सकते हो आप 2-3 घंटे के लिए, तो ये एक थर्मस आप रखो, क्योंकि नॉर्मली आप बहुत सारा वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, उस पर नहीं बताते हैं कि ये थर्मस कितना इम्पॉर्टेंट होता है, आप फीड ठीक से नहीं करा पाते हो, आपको ऊपर की का जो दूध है वो देना होता है, तो बार बार, नॉर्मल सी बात है, आप जाके खरीद खरीद के लाओगे नहीं, इकट्ठे आप ले आइए और इसमें गर्म करने के बाद स्टोर कर लीजिए। ये अंदर से ऐसा है और बिल्कुल गर्म रखता है, तो ये भी मैंने एक थर्मस रख लिया है। और इसके अलावा मैंने डाइपर्स बनाए हैं, डाइपर्स नहीं, सॉरी, इसको आप लंगोट बोल सकते हो, ये एक जो लंगोट है ये मैंने घर पे बनाया है और ख़ुद से बनाया है, तो ये
जो आपके पास कोई भी कॉटन चादर है तो आप उसको काट के बना सकते हैं, और ये बहुत इजीली बहुत जल्दी बन जाता है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो आप ये बना लीजिए या फिर किसी से ऑर्डर दे के बनवा लीजिए, ये बहुत काम आता है और कम से कम आपके पास 15-20 अप्रॉक्स होने चाहिए। तो ये होममेड है और ये बहुत मज़बूत होता है, अच्छा भी होता है, बहुत कंफर्टेबल भी और मज़बूत भी रहता है। तो इसके अलावा मैंने मार्केट से, मैंने लास्ट प्रेगनेंसी में मैंने बेबी के लिए जो लंगोट लिए थे वो भी मैंने रखा हुआ है, वो उस डिज़ाइन का था, ये इस डिज़ाइन का है, देखो आप ये इस डिज़ाइन का है। तो ये रेडीमेड है, ये भी मेरे पास 7-8 हैं तो ये भी मैंने रख लिए हैं। इसके अलावा मुझे ये नहीं पता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जो भी है, बट मेरी ये बेटी की है जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड लेके आए थे परचेस करके, तो मैंने वो भी रखा हुआ था संभाल के। तो मैंने वॉश करके और ये सारी चीज़ें मैंने धो ली हैं, वॉश कर ली हैं, धूप में सुखाई हैं और उसके बाद डिटॉल के पानी में फिर से वॉश करके और फिर से सुखाया। तो ये सारा जो है वो बिल्कुल जर्म फ्री होना चाहिए। आप जो भी चीज़ जो हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं बच्चे को यूज़ करने के लिए, एक ये मैंने शर्ट है मेरे पास, ये मेरी बेटी का है और ये सामने से देखो खुलता है, ये बटन पैटर्न है। तो ये ऐसा कपड़ा लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पहनाते टाइम और निकालते टाइम, तो मैंने ये भी लिया है। और इसके अलावा दूध पीना, आप जब पिलाते हो तो बच्चे को क्या है दूध पीने की हैबिट नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो दूध जो है वो लगाता है बच्चा इधर, तो दूध फीडिंग के टाइम पे वो गंदा करता है बहुत, तो कपड़े उसके गंदे ना हो इसलिए आप इस तरह का ले लें उसके गले में बांधने के लिए। तो ये मैंने रेडीमेड है, ये भी मार्केट से लिया हुआ है, ये भी मेरे बेटी के टाइम का ही है, तो मैंने इसको भी वॉश करके रख लिया। आप देख सकते हो कंफर्टेबल होता है बहुत, ये भी आप घर में भी बना सकते हैं पर नॉर्मली ये 2-3 आप अपने साथ रखो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद ये सॉक्स हैं बच्चे के लिए पाँव में पहनाने के लिए, तो ये एक पेयर मैंने सॉक्स रखा है, जब आपका बेबी डिलीवर्ड होगा तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो डॉक्टर को देंगे तो वो पहना के आपको बेबी देंगे। आजकल तो क्या है कपड़े भी हॉस्पिटल से मिलने लगे, पर बाई चांस आप ऐसा नहीं होता है हॉस्पिटल में फैसिलिटी तो वो आप साथ में रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो हाथ के मोजे मैंने अभी लिए नहीं है क्योंकि हाथ का मोजा जो है बच्चा बार बार निकाल लेता है तो कोई उसका कोई मतलब सेंस होता नहीं है, बट आपको लेना है तो आप वो भी लेके रखिए। पाँव का है मैंने रखा हुआ है, और इसके अलावा वाटरप्रूफ भी मैंने रखा हुआ है लंगोट, तो ये जो है ये रेडीमेड है, देखो आप वाटरप्रूफ है बिकॉज इसमें जो है वो शीट लगी हुई है, ये पन्नी की शीट है प्लास्टिक की, और यहाँ पे जो है ये स्मूथ कपड़ा लगा हुआ है तो ये भी मैंने रख लिया है। और ये मेरे पास 2 पीस है, एक वो है और एक इस कलर का है, दोनों सेम हैं पर मैंने 2 रखे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर एग्जामिन के लिए आपके बच्चे को लेके जाते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत काम आता है। वाटरप्रूफ पहनाइए और बच्चे को आप जो है डॉक्टर के पास भेज दीजिए जो भी एग्जामिन होती है। उसके अलावा ये मैंने एक रखा है क्योंकि गर्मी, मई का टाइम है बहुत गर्मी रहती है, तो ये भी जो है ये ओपन है, देखो बटन पैटर्न है, सामने से पूरा ओपन हो जाता है ये, और बटन क्लोज कर दीजिए बच्चा बहुत इजीली वेयर कर लेता है, तो मैंने ये भी रखा है। और इसके अलावा मैंने कॉटन भी रखा है उसको उढ़ाने के लिए, बच्चे को जो लेते हैं इस तरह का जो रहता है, ये देखो ये चादर के जैसा है, यहाँ पे बेबी का सर के लिए ढकने के लिए भी बनाया हुआ है, इसके अंदर बेबी को बहुत अच्छे से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। और गर्मी का टाइम है तो मैंने एक ब्लैंकेट भी रख लिया है, एक ऐसा कपड़ा भी रख लिया है लेके जो उसके काम आएगा। और इसके अलावा चादर को आप स्क्वायर शेप में काट लीजिए, ये बहुत काम आता है, ये मैंने करीब 10 रखे हुए हैं। और ये जो है कभी भी आपको बच्चे को पोंछना है गीले कपड़े से या फिर उसका फेस क्लीन करना है तो ये बहुत काम आने वाला है। यूज़ एंड थ्रो के अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी वॉश कर दिया है। और किसी भी पुराने चादर को आप जो है काट लीजिए स्क्वायर शेप में,
और ये भी रख लीजिए। इसके अलावा ये देखिए, ये कटोरी है छोटी, ये रखो आप साथ में, बिकॉज़ बच्चा जब फीडिंग नहीं सीखता है, स्टार्टिंग में फीडिंग उसको ठीक से नहीं आती है करने, तो इसमें आप जो ऊपर का दूध देते हो तो उस टाइम पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप उसको स्पून के थ्रू फीड कराइए। तो ये जो है बेबी स्पून है, ये मैंने ले लिया है, स्टील का है, और ये कटोरी एक ले ली है बच्चे के लिए। इसके अलावा आप डिटॉल का ऐसा पैक ले लें, ये मैंने दो ऑर्डर कर दिया है और ये मेरा यूज़ किया हुआ है, तो मैं ये लेके नहीं जाऊँगी, मैंने दो ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, तो ये मैं दो फाइल रख लूँगी, बिकॉज़ वहाँ पे बच्चे की जो आप लंगोट वगैरह है वो धोगे आप, बच्चा पोटी सुसु करता है, तो फिर एक बार आप इसको भी वाटर में डाल के क्लीन कर लीजिएगा उसके कपड़े को, तो ये भी मैंने रख लिया है। और इसके अलावा ये जो है, ये बच्चे का जो है वो नेट प्रूफ बेड है, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये जो है ये डाइपर का पैक मैंने रख लिया है हगीज़ का, ये मैंने जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये सबसे स्मॉल पैक साइज़ है जो बच्चे को, बॉर्न बेबी को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मांगते हैं, तो ये भी मैंने रख लिया है। और इसमें 5 पीसेस पैंट हैं जो मैक्स टू मैक्स हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे हॉस्पिटल में, पड़ती भी है तो वहाँ पे जो मेडिसिन शॉप होते हैं वहाँ से मैं परचेस कर लूँगी, तो एक पैक मैंने ये भी रख लिया है। और इसके अलावा ये बेड के साथ ही मुझे मिला है पिलो बच्चे के लिए, ये मेरी फर्स्ट बेबी का है, ये भी मैंने रखा हुआ था, इसको वॉश करके अभी मैंने रख लिया है और सुखा के डिटॉल के पानी में बिल्कुल सैनिटाइज करके रखा है सब कुछ मैंने। और ये बेड है देखिए, ये क्या है, ये फोल्डिंग है, ये बेड इस तरह से खुल जाएगा, इस तरह से पूरा खुल जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा रहता है, नेट प्रूफ बेड है, अंदर से कुशन लगा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यहाँ से ये ऐसे खुलता है, ये साइड से जो है ये इस तरह से ओपन हो जाता है, तो या तो आप बच्चे को इस पे ऐसे सुला सकते हो, या फिर आपको नेट लगाना है तो आप इस तरह से नेट लगा दीजिए, और इसमें बच्चा बिल्कुल सेफली मॉस्किटो वगैरह जो भी है वो उसके आसपास भटकेंगे भी नहीं, कुछ भी है, तो ये सेफ्टी के लिए ये बेड मैंने रखा है बॉर्न बेबी, क्योंकि हमेशा सोते रहते हैं बॉर्न बेबी, तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है उसको, तो मैंने ये भी रख लिया। अब इसके बाद जो ये सारी प्रिपरेशन है वो मेरी बॉर्न बेबी की हो चुकी है, ये सब मैंने बैग में रखा है, बैग आपको मेक श्योर बहुत ईजिली ओपन होने वाला ही रखना है, और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले जानी, क्योंकि सब आपको वॉश करना होता है बार बार चीज़ें, ये सारी चीज़ें यूजन बहुत कंफर्टेबल हो, ये आप बिल्कुल चेक करके ले बच्चे के लिए, जो स्किन में बिल्कुल उसको प्रॉब्लम ना दे, और सारी चीज़ें अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं तो सबको धो के और धूप में सुखाइएगा, बिकॉज़ धूप में जर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं, तो धूप में सुखाने के बाद फिर आपको उसको वॉश करना है डिटॉल के पानी में और फिर से धूप में सुखाना है, तो इससे क्या होगा, कपड़ा बिल्कुल जो है जर्म फ्री हो जाएगा और आपका बेबी जो है वो बिल्कुल रैसेस वगैरह जो प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है बॉर्न बेबी की, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको जो मेरी प्रिपरेशन है बॉर्न बेबी की वो अच्छी लगी हो, जो लगे इस प्रिपरेशन है, और प्लीज़ अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।